दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए बी ब्यूटीफुल चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, पास जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। गाइस वेलकम अगेन टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब। तो आज आपको बताने वाली हूं चावल के आटे से बनने वाले दो ऐसे फेस पैक जो आपके रंग को गोरा करेंगे, आपके दाग धब्बों को रिमूव करके आपके स्किन से टैनिंग को हटा देंगे एंड किसी भी तरह की डलनेस या कालापन है उसको हटा देंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं ऐसे ही यूजफुल सी जो रेमेडीज लेकर आती हूँ आपको बताती हूँ तो आप तक पहुँच सके बहुत ही आसानी। पैक नंबर वन है, एक बाउल ले लीजिए, हाफ स्पून मैं इसमें चावल का आटा ले लूंगी, सिर्फ इतना वन टाइम यूज के लिए काफी है। जो सेकेंड चीज मैं ले रही हूँ हाफ स्पून ही इसमें कॉफी पाउडर, कॉफी में कैफीन होता है एंड ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करने के साथ साथ उसको ब्राइट बनाता है स्किन को कॉफी। जो थर्ड चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है ये दूध। दूध अगर आपके पास कच्चा है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप सैड ना हो, आप कोई भी जो घर में बॉइल हुआ हुआ मिल्क होता है वो ले सकते हो। तो थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए और इसका एक आप पेस्ट बना लीजिए। इसका आप थोड़ा सा, बहुत ज्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा थोड़ा सा रनी पेस्ट आप इसका बना लेंगे। अब आप इसको मिक्स कर दोगे। इसके बाद सबसे पहले क्या स्टेप होता है, जब भी कोई फेस पैक आपको फेस पर लगाना होता है तो पहले आपको अपने स्किन को, फेस की स्किन को क्लीन करना होता है। कोई भी फेस वॉश यूज कीजिए एंड चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड गर्दन को भी, कोई भी चीज लगाते हो गर्दन पर जरूर लगा करें वरना कलर में अलग अलग लगेगा देखने में, क्योंकि फेस तो ब्राइट होने ही वाला है ये पैक यूज करके। तो अब आप इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पर लगाओगे एंड इससे करोगे 2 मिनट तक मसाज यानी के स्क्रब। जब आप स्क्रब करोगे तो आपकी स्किन की जो भी डलनेस है, जो भी डेड स्किन है स्किन से हट जाएगी एंड जो भी थोड़ी बहुत फेस वॉश करने के बाद अगर इम्प्योरिटीज फेस पर रह गई है पोर्स तक इससे क्लीन हो जाएंगे, ठीक है, पोर्स तक की गंदगी निकल जाएगी। तो हल्के हाथ से रब कर दीजिए एंड जब मैं इस तरह से ये चीज़ें मिक्स करके अपने फेस पर स्क्रब करती हूँ ना तो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं इसमें। 2 मिनट तक आपको एज ए सर्कल में पूरे फेस पर स्क्रब करना है, उसके बाद आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लोगे और इसको छोड़ दोगे 15 मिनट के लिए। तो मैंने लगा लिया है, अब मैं 15 मिनट इसको रखूंगी, उसके बाद मैं इसको नॉर्मल पानी से वॉश करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जब आप वॉश कर देते हो तो स्किन आपकी बहुत ज्यादा ऐसे सॉफ्ट लगती है, बहुत ज्यादा कहीं से भी रफ कहीं से ड्राई या ऐसे खुरदुरी सी नहीं लगती, इतनी ज्यादा सॉफ्ट लगती है हाथ लगाने के बाद, जैसे बेबी सॉफ्ट स्किन है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, जब आप वॉश कर दोगे तो कोई भी अपना मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी चावल के आटे से बनी हुई फर्स्ट रेमेडी, अब बात करते हैं सेकंड की। दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, दोनों में से कोई भी रेमेडी यूज कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगती हो, जिसकी भी चीजें सारी आपके पास हो। तो जो सेकंड फेस पैक है उसके लिए एक बाउल ले लेंगे और बाउल के अंदर डाल देंगे ये 1 टीस्पून चावल का आटा। हमें इसके अंदर मिक्स करना है 1 चम्मच शहद। शहद हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है पैक बनाने के लिए, आप बनाना नहीं चाहते तो आप सिंपल खाली शहद भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो 10 मिनट के लिए। ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल मैजिक एंड मिरेकल का काम करता है हनी। तो इसको रख देंगे साइड, 2 चीज़ें डाल दी हैं। अब जो थर्ड चीज़ है हम इसमें डाल देंगे 1/2 स्पून लेमन जूस, ये आपके स्किन से कालेपन को हटा देगा। एंड देन नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम इसमें डालने वाले हैं। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो आखिरी चीज़ है हमारी, वो है दूध, थोड़ा सा डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना देंगे। अगर आपकी स्किन पर लेमन सूट नहीं करता तो आप लेमन को स्किप भी कर सकते हो या तो फिर आप फर्स्ट वाली रेमेडी यूज कर सकते हो, ठीक है। सब चीजों को मिक्स कर लिया, अब आप इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करोगे, हल्का सा रब करोगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि चावल का आटा है बहुत अच्छा स्क्रबर भी है तो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह एक्सफोलिएट कर देता है।
स्किन से सारी डर्ट एंड धूल मिट्टी सब निकल जाती है, पोर्स तक आपके क्लीन हो जाते हैं, डेड स्किन बिल्कुल साफ हो जाती है। तो आप 2 मिनट तक इसे सर्कल में ऐसे रब करते हुए इसे स्क्रब करोगे, उसके बाद आप इसको अप्लाई करोगे और लगाकर इस तरह से 15 मिनट के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, ऐसे मोटी सी लेयर, एक थिक सी लेयर आप इस पैक की अपने फेस पर लगा लेंगे, अपने गर्दन पर लगा लेंगे। एंड इसको अगर ये बच जाता है तो आप अपने घुटनों पर, कोहनियों पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अपनी बॉडी में कहीं भी मतलब इसको आप लगा सकते हो, कालापन जहाँ है, जहाँ आप स्क्रब करना चाहते हो तो आप इसे लगा सकते हो, अपने पैरों पर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो 15 मिनट के लिए लगा लिया, आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे। तो 15 मिनट के बाद चेहरे को वॉश कर दोगे नॉर्मल पानी से, और उसके बाद आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लोगे। कोई भी फेस पैक जब भी आप लगाते हो तो उसके बाद एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी होता है, तभी आपकी स्किन बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे ब्राइट एंड खिली खिली शाइनी सी नज़र आती है। तो ये 2 पैक है चावल के आटे के, जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप यूज़ कर सकते हो, एंड यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, इंस्टेंट रिजल्ट इसका भी आता है, आपकी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बना देता है। फर्स्ट टाइम यूज़ में ना आप देखते रह जाओगे अपना फेस, इतनी ज़्यादा क्लीन आपकी स्किन हो जाएगी। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड कमेंट में रिजल्ट जो भी आता है मुझे भी बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।